लिसनर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज मैं आपके साथ स्पेनिश ऑमलेट की रेसिपी शेयर करूंगी। हमारे घर में तो ये बहुत फेमस है, नाश्ते में, लंच में, डिनर में, आप किसी भी टाइम बनाएं, सब बहुत शौक से खाते हैं। इसकी काफ़ी लोगों ने मुझसे फरमाइश भी की है, तो मैंने सोचा आज क्यों ना मैं आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करूँ। सबसे पहले इसके लिए मैंने 2 मीडियम साइज़ के आलू ले लिए हैं और इन्हें चॉप कर लिया है। ये मैंने ना बहुत बारीक काटे हैं ना ही बहुत मोटे साइज़ में काटे हैं। 3 अंडे, 1 कप प्याज ले लिया है मैंने, ये भी बारीक मैंने चॉप कर लिया है। 2 खाने के चम्मच हरा धनिया, 2 खाने के चम्मच पुदीना और 4 हरी मिर्च ले ली है मैंने, इन्हें भी फाइन चॉप कर लिया है। पुदीना अगर आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। 1/2 चाय का चम्मच मैंने नमक ले लिया है, 1/2 चाय का चम्मच कुटी हुई काली मिर्च, 1/2 चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चुटकी अदरक पाउडर, 1 चुटकी लहसुन पाउडर। ये लहसुन पाउडर और अदरक पाउडर अगर आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। 1 चुटकी मैंने कलवंजी की यहाँ पर ले ली है, 1/2 चाय का चम्मच कसूरी मेथी और 1/2 ही चाय का चम्मच जीरा ले लिया है मैंने। कुकिंग ऑयल ले लें आप हसबे जरूरत। अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। आपने क्या करना है कि एक पैन को प्री हीट कर लेना है। मेरा पैन प्री हीट हो गया है, 2 मिनट रखा है मैंने इसे फ्लेम पे। अब इसमें 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल के शामिल कर देंगे। अब हमने इसमें जीरा डाल देना है, इसे हिला लें और इसमें कटे हुए आलू डाल देंगे और इसे 2 मिनट के लिए हमने फ्राई कर लेंगे। मैंने इसे कवर करके बनाया है और हमने आंच बिल्कुल हल्की रखनी है। ये देखें आलू अब हाफ कुक हो चुके हैं। अब इस स्टेज पे हमने इसमें प्याज शामिल कर देना है। इस स्टेज पे मैं साथ ही इसमें 1/2 नमक शामिल कर दूंगी और ये कलवंजी इसमें शामिल कर दूंगी हूँ और आप इसमें ग्रीन चिली भी साथ ही ऐड कर सकते हैं। इसको अब अच्छी तरह से हम मिक्स करके पका लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। प्याज हमारा फ्राई हो चुका है, आलू में बस जरा सा ही फर्क रह गया है, तो मैं इधर तकरीबन 1 खाने का चम्मच पानी का शामिल कर दूंगी। हमने इसमें ज्यादा पानी शामिल नहीं करना है और इस जितने में ये गल जाएगा उतना ही पानी मैं यूज कर रही हूँ। बस 1 खाने का चम्मच मैं इसमें पानी शामिल कर रही हूँ और साथ ही कसूरी मेथी मैं इसमें शामिल कर दूंगी। इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करके पका लेंगे। ये हमारा ऑमलेट का मटेरियल अब तैयार हो चुका है। अब हम चूल्हा बंद कर देंगे और इसे निकाल लेंगे। मैंने इसे थोड़ा सा गोल्डन टच दिया है, अगर आप चाहें कि ये टच ना दें तो आप इसे कम फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन इससे ये होगा कि इसके ऑमलेट के टेस्ट में इजाफा होगा। अब हम इसे किसी बाउल में निकाल लेंगे और देखें मैंने जो इसमें पानी शामिल किया था वो बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अब हम इसे निकाल कर ठंडा होने के लिए रख देंगे। इस मिक्स
मिक्सचर को अब हम ठंडा होने के लिए साइड पे रख देते हैं। जब तक ये ठंडा होता है तब तक हम अपने ऑमलेट का बैटर तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने सबसे पहले 2 खाने के चम्मच ले लिया है दूध। ये टोटली ऑप्शनल है, आप अगर चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। मैंने ये दूध इसलिए लिया है क्योंकि इसमें मैं जो मसाले हैं इसमें बीट कर लूँगी, अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, फिर इससे ये होगा कि इसकी घुटलियाँ वगैरह नहीं बनेंगी। अब इस दूध में मैंने ये बाकी के जो पाउडर फॉर्म में मसाले हैं वो शामिल कर देने हैं। नमक, काली मिर्च, लाल मिर्च, लहसुन, अदरक का पाउडर, और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अब इसमें लहसुन अदरक शामिल करने के बाद हमने हरा धनिया और पुदीना भी शामिल कर दिया। इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। ये मिक्सचर अब हम साइड पे कर देंगे और एक बर्तन में बारी बारी हम अंडे तोड़ के डालते जाएंगे। ये अब हम बड़े बाउल में शिफ्ट कर देंगे। आजकल जैसे आप जानते हैं गर्मी का मौसम है तो अंडे का कोई पता नहीं होता, इसलिए बेहतर यही है कि आप पहले एक एक अंडा छोटे बाउल में डाल के चेक कर लें कि कोई ख़राब ना हो, वरना आपका सारा ऑमलेट ख़राब हो जाएगा। अब इन्हें अच्छी तरह से हम फेंट लेंगे। इन अंडों में मैंने ये जो मिक्सचर तैयार किया हुआ था अलग से वो शामिल कर देंगे। दूध की जगह अगर आप पानी भी चाहें तो इस्तेमाल कर सकती हैं। और ये ऑमलेट का जो हमने आलू और प्याज का मसाला बनाया था वो भी शामिल कर देंगे इसमें। ये ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए वरना यहाँ पर ही आपका ऑमलेट पकना शुरू हो जाएगा। इसे अब हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब आपने क्या करना है, पैन को गरम कर लेना है। मैंने फ्लेम ऑन कर लिया है, पैन को गरम कर लिया है, मैंने उसी पैन को इस्तेमाल किया है दोबारा। अब इसमें 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल के हम शामिल कर देंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अब ये मिक्सचर इसमें शामिल कर देंगे। हीट हमने ज़्यादा नहीं रखनी है, बहुत कम हीट में हमने इसे पकाना है। अब इसे अच्छी तरह से हम सेट कर लेंगे और कवर करके इसे 2 से 3 मिनट के लिए एक साइड से काट लेंगे। ये ऑमलेट एक तरफ से पक गया है, अब इसे हम साइडों पर से ये किसी भी चम्मच से सेपरेट कर लेंगे और नीचे से भी ज़रा सा ऐसे चारों तरफ से, ताकि ये इसके साथ चिपका हुआ ना रहे। अब हमने क्या करना है, कोई भी प्लेट ले लें या ये कवर मेरे लिए सेफ है। मैं इसको क्या करूँगी, अब पकड़ के इसकी साइड चेंज कर दूँगी। आपने बहुत एहतियात से काम लेना है, आपका हाथ ना चले यहाँ पे। हम इसे साइड पे कर लेंगे, चूल्हे पर से उतार लेंगे और इसे उलट लेंगे। ये देखें एक साइड से बहुत ज़बरदस्त पक चुका है। मैं अब चूल्हे से साइड पे ही रख के इसे उलट लूँगी इसमें। अब 2 से 3 मिनट के लिए इसे मज़ीद आपने पका लेना है। ये ऑमलेट अब दोनों तरफ से पक गया है, चूल्हा मैं अब बंद कर दूँगी और इसी कवर को दोबारा लेके आपने बहुत एहतियात के साथ इसको उलटना है। ये देखें बहुत ज़बरदस्त हमारा ऑमलेट तैयार है। आपको अगर ये रेसिपी पसंद आई है तो आपने हमारे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ नहीं भूलना, ताकि आपको हमारी आने वाली नई वीडियोस मौसूल हो सकें। और आपने अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसको शेयर करना है। मैं इसे सर्व कर रही हूँ मज़ेदार पराठे के साथ, आप इसे ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
अपना और अपने साथ जुड़े लोगों का ख्याल रखें और दुआओं में हमें भी याद रखिए। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।